नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा, आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मून इन सेकंड हाउस फॉर एक्वेरियस असेंडेंट, कि चंद्रमा आपके सेकंड हाउस के अंदर है और कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन हम सब जानते हैं, मैंने कुंभ लगन का पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था। कुंभ लगन के जो लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट एक्सपेक्टेड होते हैं। इनकी प्लानिंग छोटी नहीं होती, इनकी प्लानिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी होती है। और साथ में मून जो होता है वो एक इमोशनल प्लैनेट है। अब इमोशनल प्लैनेट इस टाइम पे बैठा है पाइसिस साइन के अंदर, जो पाइसिस भी एक तरह से वाटरी साइन है। इधर मून वाटरी प्लैनेट, इधर जो साइन है वो भी वाटरी। तो इसके अंदर क्या क्या रिजल्ट्स देगा, आइए इस बारे में हम बात करते हैं। हमें समझने की जरूरत है सबसे पहले मून के बारे में। मून जो है देखिए सेकेंड हाउस के अंदर बैठा है। सेकेंड हाउस जो है वो हमारा हो गया फैमिली का हाउस, हमारी फैमिली, हमारा कुटुंब, हमारे एक्सपीरियंस, हमारा संचित धन, जितना भी हम धन जोड़ते हैं, हमारी संचित नॉलेज, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं। ज्वाइंट फैमिली क्या होती है? ज्वाइंट फैमिली रातों रात नहीं खड़ी होती, ज्वाइंट फैमिली कुछ साल बाद जाके ज्वाइंट बनती है कि इतने साल में उनके बच्चे हुए, ज्वाइंट हुई सारी। ज्वाइंट का मतलब आहिस्ता 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 ज्वाइंट हुई। तो वो जो ज्वाइंट होके, जैसे कहते हैं ना, कई नदियों का संगम मिलके एक नदी बनी, उस हिसाब से एक ज्वाइंट फैमिली बनी। तो वो ज्वाइंट फैमिली इसी तरीके से सेकेंड हाउस होता है कि एक के साथ दूसरा हाउस, मतलब दूसरा उतने ही बराबर का साथ जुड़ा। तो इसका ये मतलब हो गया कि बहुत स्ट्रांग हाउस होता है। इसके अंदर जो मून होता है वो इमोशंस लेके आता है, यानी आपका इमोशंस, आपके इमोशंस बढ़ाता है। तो मून यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है कि आप फैमिली के प्रति इमोशनल होते हैं, फैमिली में बहुत प्यार लेते भी हैं, बहुत प्यार देते भी हैं, पोजेसिव होते हैं, इमोशनल पोजेसिव, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें अगर हम देखें तो लॉर्ड किसका हुआ, लॉर्डशिप है उसके पास सिक्स्थ हाउस की, सिक्स्थ हाउस की लॉर्डशिप है, सेकंड हाउस में बैठा है, यानी अपने से नौवे हाउस के अंदर बैठा है, यानी अपने से ज्यादा। नौवा हाउस होता है फॉर्च्यून का हाउस होता है, भाग्य का हाउस होता है। तो यानी जो रिजल्ट्स देगा ये देगा सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस के रिजल्ट्स। सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस का मतलब हो गया कि आदमी जो होगा वो फोकस्ड, बहुत ज्यादा अलर्ट अपनी फैमिली को लेके, बहुत ज्यादा पोजेसिव, बहुत सारी चीजें, ये सारी जिसे हम कहते हैं मैटर करेगा। लोन्स वगैरह उसके ऊपर बढ़ने के चांसेस बन सकते हैं। ये कब होगा, जब मून के साथ कोई ऐसा प्लेनेट बैठा हुआ है जो नेगेटिव प्लेनेट है, या किसी नेगेटिव प्लेनेट की दृष्टि है कहीं ना कहीं कुछ और, या तो राहु बैठ सकता है या राहु की दृष्टि पड़ सकती है। अब राहु की दृष्टि पड़ गई तो फिर उसके साथ ये समझ लीजिए कि खटपट, आउट ऑफ कास्ट लड़की से शादी, कुछ मतलब जिसे हम कहते हैं ना अलग सी चीजें हो सकती हैं। इसमें इसके साथ ये है कि मून के रिजल्ट्स अभी तक, अगर हम जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि मून सेकेंड हाउस में है और सिक्स हाउस के रिजल्ट्स दे रहा है, इस इन्फॉर्मेशन, इस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम कहेंगे बहुत पॉजिटिव है। इसमें नेगेटिव कब हो सकता है, अगर ये बैठता है मरकरी के नक्षत्र में। अगर ये मरकरी के नक्षत्र में बैठता है तो फैमिली के साथ थोड़ा सा भेदभाव, आपके लव रिलेशनशिप्स के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम, आपके कामों में थोड़ी सी रुकावटें। अब अगर जैसे एट ये इसके मरकरी के नक्षत्र के अंदर बैठता है, तो अगर आप ध्यान से देखें कि सेकंड हाउस की जो दृष्टि है, अगर कोई भी प्लेनेट है, देखिए मून बैठा हुआ है, मून की दृष्टि कहाँ पे हुई, मून की जो दृष्टि हुई वो हुई एट हाउस के ऊपर, और बैठा भी मरकरी के नक्षत्र के अंदर है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना ये थोड़ा सा रुकावटें लाता है एक्सपीरियंस में। आपके जो जुड़े हुए पैसे होते हैं अगर वो मरकरी के नक्षत्र के अंदर है, तो जो संचित धन होता है, जो जुड़ा हुआ धन होता है, थोड़ा सा वेस्टेज की तरफ, या जब मून की दशा आएगी तो उसमें खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। तो खराब होने के चांसेस, पैसे के, संचित धन के खराब होने के चांसेस, और हम कहें कि एक्सपीरियंस वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम, अपनी बात किसी को समझाना चाहते हैं, स्पीच का हाउस भी सेकेंड हाउस होता है, तो अपनी बात किसी को समझाना चाहते हैं तो वो समझाने में या सामने वाले के समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये मरकरी है, मरकरी कम्युनिकेशन के काम आता है। इधर अगर सेकेंड हाउस स्पीच का है तो मरकरी प्लैनेट जो है वो कम्युनिकेशन का है। तो मून अगर मरकरी के नक्षत्र में बैठता है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको। आप नक्षत्र का नाम देखिए, उसके बाद गूगल पे चेक करिए कि ये किसका, इस नक्षत्र का लॉर्ड कौन सा। अगर उसका नक्षत्र का लॉर्ड मरकरी है तो इसका मतलब है आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो मून है वो मरकरी के नक्षत्र के अंदर, तो आपको ये थोड़ी सी चीजें देखना है। जुपिटर का नक्षत्र होगा तो बेनिफिट है, और हम देख सकते हैं और किसके नक्षत्र में इसको बेनिफिट मिल सकता है। जुपिटर का मैंने बताया एक नक्षत्र में बेनिफिट है, एक इसको मार्स के नक्षत्र में बेनिफिट है, क्योंकि मार्स का कनेक्शन जो है वो थर्ड हाउस और टेंथ हाउस के साथ है। अगर ये मंगल के नक्षत्र के अंदर आता है तो इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बात जो समझाने के लिए हम कह रहे हैं,
कि जो प्रॉब्लम आनी थी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि और बेटर अच्छे तरीके से समझा पाएगा। जिस तरीके से आज का टाइम जो चल रहा है सोशल मीडिया का या अपने डिजिटल मार्केटिंग का, जो अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज द राइट वर्ड, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सर्वाइव करने के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो अब आपने बस यही देखना है कि आपका जो मून है वो सेकेंड हाउस में तो है, मगर किस नक्षत्र में बैठा है। उस नक्षत्र में बैठने के साथ साथ आपके रिजल्ट्स के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिले। तो ये थी इंफॉर्मेशन मून इन सेकेंड हाउस फॉर एक्वेरियस असेंडेंट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।